चले मुझको बेड़ी पिना कर। हाय अशाम अशाम अशाम, अरे मुझ पे कैसी कयामत ये आई। आले अतहारी और बेरेदाई, मुझ पे कैसी कयामत ये आई। आले अतहारी और बेरेदाई, अरे से जीने से मरना था बेहतर। हाय अशाम अशाम अशाम, फख्र करते थे कैदी बना कर। मुझ पे हंसते थे दुर्रे लगा कर। फख्र करते थे कैदी बना कर, मुझ पे हंसते थे दुर्रे लगा कर। जालिमों को न था खौफ दावर। हाय अशाम अशाम, जिसको दुर्रे लगाते थे आदा, जिसके जख्मों से चिपकाता कुर्ता। जिसको दुर्रे लगाते थे आदा, जिसके जख्मों से चिपकाता कुरता। रे मर गई कैद खाने में घुट कर, मर गई कैद खाने में घुट कर। हाय अशाम अशाम अशाम, जिन असीरों पे रोई असीरी, जिनके चेहरे पे थे जौफे पीरी। जिन असीरों पे रोई असीरी, जिनके चेहरे पे थे जौफे पीरी। हाल उनका बयां हो तो क्यों कर। हाय अशाम अशाम अशाम, कर सको तो ये महसूस कर लो, क्या गुजरती थी मुझ पर न पूछो। कर सको तो ये महसूस कर लो, क्या गुजरती थी मुझ पर न पूछो। जब लगाते थे जख्म सितमगर। हाय अशाम अशाम अशाम, ए बिलाला के आका को कोई, जो भी देता था पुरसा वतन में। ए बिलाला के आका को कोई, जो भी देता था पुरसा वतन में। मेरे आका कहते थे रो रो कर। हाय अशाम अशाम अशाम, हाय अशाम अशाम अशाम, हाय अशाम अशाम अशाम। देख कर बे कसी, मेरा बीमार।
कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। हर लम्हा कोड़ों की अज़ियत, दुर्रों की उफ़्तार, हाय मेरे बीमार की गुर्बत किस करे फरियाद, हाय किस करे फरियाद। सब रास्ते कांटों से भरे हैं, चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। तो के गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर, सर है झुकाए शर्म के मारे इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर। साथ हरम है बेपरदा और शाम का है बाजार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। सब्र किए अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरे, धूप है ऐसी जलने लगी है लोहे की जंजीरे, आए लोहे की जंजीरे। सारे बदन में पड़ गए छाले, आए मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। कैद सितम में मौज आई बिनते सहे मुजतर को, खून भरे कुर्ते में कहकर दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को। तुझको कफन भी दे नहीं सकता वाई है लाचार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। थाम के बेड़ी वक्त सफर, रो रो के कहा मौला ने, कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने, हाय ये तो खुदा ही जाने। ऐसी है कुछ ज़ोफ़ो नखाहत, चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास, देख सको तो देख लो उठ कर मेरे चचा अब्बास, हाय मेरे चचा अब्बास। आपका बेटा बन के चला है कुनबे का सालार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। शर्म मुझे खाए जाती है
काश अभी मर जाओ उस मंजर को देख सकूं वो ताब कहाँ से लाऊं हाय ताब कहाँ से लाऊं बेपर्दा है माँ बहने और शाम का है दरबार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार शाम के जानिब कैसे चली थी पैगंबर की आल कैसे पड़ेगा हामिर उसको कैसे लिखूं मैं बिलाल हाय कैसे लिखूं मैं बिलाल आगे आगे लेजे परता फर के शहे अबरार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार हज से फारिग हुआ निहाल मदीने आया देखा सन्नाटा तो शब्बीर के दर पर पहुंचा दिल सदा सज्जाद का रावी ने लिखा बखुदा जर्द था चेहरा तो आँखों से लहू बहता था कहते थे सैयद सज्जाद यही रो रो कर सुनो मिनहाल सुनो सुनो मिनहाल सुनो दस महरम को भरे घर पे तबाही छाए कोई बाकी न रहा ऐसी कयामत आई एक दिन में हुआ बर्बाद हमारा भरा घर सुनो मिनहाल सुनो असर के वक्त कयामत का समा था मिनहाल दादी मक्तल में नजर आल बिखेरे हुए बाल माकिया गोश में काटा गया फर्जंद का सर सुनो मिनहाल सुनो जानवर जब कोई कसाब जिभा करता है
बेदस्तूर उसे पानी पिला देता है। हाय बाबा को मेरे कत्ल की आतिश न जगे, सुनो मिनहाल सुनो, ग्यारहवीं को तो कया मत कसमा था मिनहाल, एक रस्सी में गला सबका बंधा था मिनहाल, रायपुर खार हवा गर्म वो कूफे का सफर, सुनो मिनहाल सुनो, सुनो मिनहाल सुनो, कूफा शाम की मिनहाल वरा है पुरखार, हथकरी बेड़िया पहने हुए चलना दुश्वार, 1400 मील का पैदल किया था हमने सफर, सुनो मिनहाल सुनो, सुनो मिनहाल सुनो, क्यों न मिनहाल लहो बरसे मेरी आँखों से, उन आँखों से तो देखे हैं बहत्तर लाशे, जिसमें तपते हुए सहरा में तो सर नेज़े पर, सुनो मिनहाल सुनो, मैंने माना कि शहादत है हमारी मीरास, बोलो इंसाफ से ये भी हमारी मीरास, बलवाए आम में माँ बहन फिरे नंगे से, सुनो अफसोस नबीजादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो दरबार में जाना, सज्जाद से पूछो, अरे छिपती थी नबीजादी, नबीजादी के पीछे किस शर्म हया से, अरे छिपती थी नबीजादी, नबीजादी के पीछे किस शर्म हया से,
और शिम्र का उन बीबियों के नाम बताना सज्जाद से पूछूं अरे गाहे छीने सकीना के तमाचे भी लगाए जालिम ने जफा से गाहे छीने सकीना के तमाचे भी लगाए जालिम ने जफा से गुरबत में सितम गए का सकीना को सताना सज्जाद से पूछूं बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे सादात खड़े थे बैठे हुए दरबार में सब छोटे कड़े थे सादात खड़े थे संतोष ने रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना सज्जाद से पूछो जब दुख तरे शबीर ने जिंदान में कजा की आफत की घड़ी थी वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना सज्जाद से पूछो वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना सज्जाद से पूछो जब गुस्ल सकीना को देते थे सज्जाद था सब का बुरा हाल उस नन्ही सी मैयत पे निशा रसी के पाना सजा
जान से पूछो उस नन्ही सी मैयत पे निशान रस के पाना सजाद से पूछो أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على لبعته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وخاصب حقوقهم أجمعين أما بعد إن لله وإنا إليه راجعون عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا شب شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے ہم لوگ گریے ماتم اور عزاداری کے لیے جمع ہوئے وہ امام جس کی ساری زندگی گریہ مصائب اور مصیبتوں میں اور کربلا کو یاد کر کے امام روتے رہے اسی امام کی شب شہادت ہے جنہوں نے 61 ہجری کے بعد 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک تقریباً 35 سال تک کربلا کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے کون کون سی مصیبت ہے جس کو امام نے برداشت نہیں کیا کربلا کے سارے مناظر امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں امام کی زندگی پوری جہاد ہے سب سے پہلا جہاد جو امام نے اپنی نظروں سے دیکھا سب سے بڑی مصیبت جو امام کی نظر میں تھی جو امام زمانہ کی نظر میں بھی سب سے بڑی مصیبت تھی وہ مصیبت کیا تھی جس وقت شام غریبہ میں خیمے جل رہے تھے بیویاں در خیمہ سے نکل رہی تھی جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد ہمارے پردے کا حکم کیا ہے ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں سید سجاد نے بحیثیت امام کے حکم دیا کہ خیموں سے باہر نکل جائیے سیدانیہ برہنہ سر چادریں چھینی جا رہی تھی خیموں سے سیدانیہ باہر نکل رہی تھی
इमाम ने पहला मंजर जो देखा है सबसे बड़ी मुसीबत थी। इमाम इसको याद करके खून के आंसू रोते रहे। इससे पहले दूसरा जिहाद वो था जब इमाम हुसैन वक्त आखिर रुख्सत आखिर के लिए आए, सैयद सज्जाद गश में पड़े हुए हैं, शाना हिलाया, सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, देखा बाबा के चेहरे पर खून है। कहा बाबा ये क्या हालत है, जख्मी किसने कर दिया, अब्बास क्या हुए, अली अकबर क्या हुए, अब इमाम हुसैन किसका किसका नाम ले। कहा बेटा ये समझ लो मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं रहा, अब मैं भी जा रहा हूं, बस एक ही वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश कभी मेरी तश्ना दहानी, 24 पहर गुजरे हैं पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बाद मेरे जुल्म के बानी, तुम फातिहा बाबा का दिला दीजियो बेटा और थोड़ा सकीना को पिला दीजियो बेटा। एक मर्तबा सैयद सज्जाद बुलंद हुए, कहा फूफी अम्मा मेरा असा कहाँ है, तलवार कहाँ है, का क्या करोगे, का देख नहीं रहे हैं मेरे बाबा अकेले हैं, जाकर जिहाद करूंगा, तलवार चलाऊंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा लेट जाओ, बारे इमामत तुम्हें अभी संभालना है, तुम्हें करबला और कूफा के शाम के मनाजिर तय करना है। इमाम ने असरार इमामत सुपुर्द किए। वो इमाम कौन कौन से मनाजिर हैं करबला में, कौन कौन सी मुसीबत को इमाम याद करके रो रहे हैं। जब भी इमाम मदीने में अपने किसी काम से मदीने की गली में गुजरते थे और किसी कस्साब की दुकान पर ज़बहशुदा जानवर को देखते थे, देखिए सबसे ज्यादा सख्त दिल कस्साब का होता है, मगर इमाम के आंसुओं ने कस्साब को भी रुला दिया। इमाम पूछते थे भाई जरा ये बताओ, तुमने जानवर को ज़बह करने से पहले इसे पानी पिला लिया था? तो वो कस्साब कहता मौला मैं आपकी शरीयत को मानने वाला हूं, उस वक्त तक हम जानवर को ज़बह नहीं करते जब तक उसे पानी न पिला ले। तो बस ये सुनना था फौरन सैयद सज्जाद करबला का रुख करके कहते थे अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, बाबा मदीने में जानवर भी प्यासे ज़बह नहीं किए जाते, हाय मेरा बाबा, हाय मेरे चचा अब्बास, 3 दिन के भूखे प्यासे कत्ल कर दिए गए। किस किस मुसीबत को हम याद करें। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा मौला कब तक रोइएगा, 1 साल 2 साल 3 साल? मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया, याकूब नबी के 12 बेटे थे, एक यूसुफ जुदा हुआ, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, बिनाई चली गई, मेरे इतने यूसुफ एक भरी दोपहर में ज़बह कर दिए गए। कमौला शहादत आपकी मीरास है, का शहादत मीरास है तो क्या यह भी मीरास है कि माँ बहनों के खुले हुए सर हो, मुनादी निदा दे रहा हो, तमाशाइयो तमाशा देखो, याले रसूल कैद होकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत अजादारों, पूछा गया मौला सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे ज्यादा मसाइब आपने कहां उठाए, कहां बर्दाश्त किए? तो 3 मरतबा रोकर कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। पहले शाम से मुराद बाजार शाम है, दूसरी मरतबा शाम से मुराद दरबार शाम है, तीसरी शाम से मुराद जिंदान शाम है। कमौला ऐसी क्या मुसीबत थी शाम में, कुछ बयान तो करे। इमाम फरमाते हैं जब कोई किसी शहर में दाखिल होता है तो लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जब मैं शहर शाम में दाखिल हुआ उधर से आग अंगारे फेंके गए, एक अंगारा मेरे सर पर गिरा, मेरा सर जलने लगा, मैंने फरियाद की, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़िया, बोला कोई अंगारों को बुझाने वाला न था, मेरा सर जलता रहा, सकीना फरियाद कर रही थी, हम सब के गले एक ही रस्सी में बंधे हुए थे, 12 गले थे, सकीना कदम जमीन पर रखकर उठा लेती है, रखती है उठा लेती है।
दम घुट रहा था, दम घुट रहा है। अजादारों रोने में कोई कमी ना होने पाए, यहां से जहरा मुतमईन जाए। दरबार-ए-शाम में जाना। जनाब ज़ैनब फरमाती है, बेटा सैयद सज्जाद मैं दरबार में नहीं जाऊंगी, वो शराबी का दरबार है, मैं अली की बेटी हूं। सैयद सज्जाद फरमाती है, फूफी अम्मा आप आलिमाए गैरे मौलिमा है, आपसे वादा किया गया था दरबार में जाना पड़ेगा। जरा दौके नैजा पर मेरे बाबा के सर को देखिए। अब जो जनाब ज़ैनब ने देखा, इमाम की आंखों से आंसू जारी हैं। जनाब ज़ैनब फरमाती भैया किस बात ने आपको रुला दिया। इमाम हुसैन का सर गोया हुआ, फरमा बहन ज़ैनब दरबार में चली जाओ, खुदा के लिए हमें यह भी मंजूर है, दरबार में चली जाओ। अजादारों दरबार में लाया गया। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, हमें दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां गुलामों को बेचने के लिए लाया जाता है, जहां तुर्को दलम के गुलाम लाए जाते हैं वहां हमें खड़ा कर दिया गया, हमारा तारुफ कराया गया। खुदा किसी पर ऐसा वक्त न लाए कि उसकी मुआवतों का तारुफ न महरमों के मजमे में कराया जाए। अजादारों सबसे बड़ी मुसीबत है नामहरमों के मजमे में सैदानियों का तारुफ हो रहा है, पहचानवाया जा रहा है। किसी ने कहा मौला आप बूढ़े हो गए, आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आपके बाल भी सफेद हो गए, ऐसी कौन सी मुसीबत आप पर डाली गई। जिंदाने शाम अजीजों, जिंदाने शाम में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मालूम है? एक मर्तबा सकीना बेदार हो गई। जिंदाने शाम कैसा जिंदान था, जहां छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में औस पड़ती है। एक मर्तबा सकीना बेदार हुई, ख्वाब से बेदार हुई, कभी जिंदान के इस कोने में जाती हैं, कभी उस कोने में जाती हैं। कहा मेरे बाबा कहां चले गए? अभी मुझसे कह रहे थे सकीना हम भी तुम्हारे बगैर बड़े बेकरार हैं, सकीना हमारे पास आ जाओ। अरे मेरे बाबा कहां चले गए, मैं अपने बाबा के साथ जाना चाहती हूं, अपने बाबा को तलाश कर रही हूं, अभी मेरे बाबा मुझसे बातें कर रहे थे। अब जब शोरे गिरिया बुलंद हुआ, यजीद तक आवाज पहुंची कि जिंदान में कैसा यह हंगामा हो गया, कि सकीना अपने बाबा को याद कर रही है, फिर उसके बाबा का सर ले जाओ। अजादारों इमाम हुसैन का सर जिंदान में आया, सैयद सज्जाद ने आंसुओं का नजराना पेश किया, सकीना ने सर पर सर रख दिया, कब बाबा मुझे छोड़कर ही जाना था तो अपने साथ क्यों लाए थे, बाबा मुझे छोड़कर ही जाना था तो अपने सीने पर सोने का आदि क्यों बनाया था। सकीना बयान कर रही है, एक एक जुल्म को बयान कर रही है, बाबा हमारे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे गोशवारे छीन लिए गए, बाबा हमारे दामन में आग लगा दी गई। सकीना फरियाद करते करते आवाज बंद हो गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, नस पर हाथ रखा, देखा सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजों जिंदाने शाम में एक मुसीबत और थी, कोई भाई इतना भी गरीब ना हो जो अपनी बहन को कफन भी ना दे सके। इमाम हुसैन गरीब थे करबला में और सैयद सज्जाद गरीब थे जिंदाने शाम में, इतने गरीब थे कि हर जनाजे को उठाने के लिए दो आदमियों की जरूरत होती है, एक कब्र में लेने वाला होता है, एक ऊपर से देने वाला होता है। जब दूसरा ना मिला तो सैयद सज्जाद ने करबला का रुख करके आवाज दी, बाबा सैयद सज्जाद आज भी अकेला है। हाँ आजादारों किस किस मुसीबत को बयान किया जाए। सैयद सज्जाद कि वो आंसू वो है, दिन है तो रोना, रात है तो रोना, पानी सामने आया, कैसे पानी पीऊं, मेरा बाबा तीन दिन का भूखा प्यासा जफा कर दिया गया, खाना सामने आया, कैसे खाना खाऊं, मेरा बाबा तीन दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। अजादारों ये आंसू वो हैं, हम गिरिया ना करते
अगर सैयद सज्जाद को रोने दिया होता, हम गिरिया ना करते अगर ज़ैनब उम्मे कुलसूम को रोने दिया होता। अज़ादारों, ये आपका गिरिया, ये आपके आंसू रुमाले सैयदा में जगह पाते हैं। यही गिरिए का सबब था कि हिशाम ने आपको जहर दिलवा दिया। जहर का असर शुरू हुआ, जहर का असर शुरू हो गया। इमाम मोहम्मद बाकर को बुलाकर फरमा, बेटा देखो अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे जमीन पर लिटा दो। का बाबा आपको जमीन पर अजियत होगी, जहर का असर है, बीमार है। का नहीं, मुझे जमीन पर लिटा दो। जमीन पर लिटाया गया। का फर्श भी हटा दो। घर वालों ने कहा, मौला आका आपको अजियत होगी। का नहीं, मुझे करबला याद आ रही है, मुझे अपने बाबा का जनाजा याद आ रहा है। मेरे बाबा का जनाजा करबला की गर्म लेट पर पड़ा हुआ था। मैं जाता हूं, मैं चाहता हूं दुनिया से जाऊं तो बिस्तर पर ना जाऊं। अजादारो, सैयद सज्जाद कुछ वसीयतें कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाकर से फरमाया, बेटा ये बताओ तुम करबला में थे, तुम्हारी उम्र कितनी थी? का 3 बरस। का बेटा ये बताओ तुमने करबला में क्या देखा? इमाम मोहम्मद बाकी फरमाते हैं, बाबा मैंने देखा मेरे दादा हुसैन कभी अली अकबर का लाशा लेकर खैमे में आ रहे हैं, कभी मैंने देखा चचा अब्बास का अलम लेकर खैमे में आ रहे हैं, कभी मैंने देखा मेरे दादा हुसैन अली असगर के लिए पानी तलब कर रहे हैं, कभी अली असगर का जनाजा खैमे में आ रहा है। उसके बाद आखिरी जुमला जो कहा है उसी से इमाम की रूह परवाज कर गई। इमाम मोहम्मद बाकी फरमाते, बाबा मैंने देखा आपके नीचे से बिस्तर खींचा जा रहा था, खैमों में आग लगाई जा रही थी। जिस वक्त खैमों में आग लगाई जा रही थी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों से चादरें छीन ली गई। बस ये सुनना था, सैयद सज्जाद ने चीख मारी, रूह परवाज कर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, जनाजा बुलंद हुआ, बकी की तरफ चला, बकी की तरफ चला। जब जनाजा बकी की तरफ चला तो आप जानते हैं रूह इमाम मुतमईन हो गई होगी। हजारों लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए। मेरा दिल कहता है ताबूत से, अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, चंद जुमले और अर्ज करना है। जब ताबूत कांधों पर बुलंद हुआ होगा, बकी की तरफ चला होगा, तो इमाम ने ताबूत से करबला का रुख करके आवाज दी होगी, बाबा आज मेरे जनाजे में इतने लोग शरीक हुए, बाबा कल जब मैं करबला से रुखसत हो रहा था तो आपका जनाजा करबला की गर्म रेत पर पड़ा हुआ था, कोई दफन करने वाला न था। हाँ इतना जरूर है, जब मैंने आपके जिस्म अक़दस को कब्र में उतारा तो दो हाथ नमूदार हुए, लाओ हमारी अमानत को हमारे हवाले कर दो। अज़ादारों, दफन करने के बाद जब इमाम मोहम्मद बाकर घर में वापस आए हैं, इमाम का एक नाका है जो बार बार चीख बुलंद करता है, फरियाद बुलंद करता है, ना खा रहा है ना पी रहा है। इमाम मोहम्मद बाकर से कहा, बाबा मौला आपके बाबा का नाका है, ना खा रहा है ना पी रहा है, आवाजें बुलंद कर रहा है, का उसको छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, खोल दिया जाए। नाके को खोल दिया गया, नाका फौरन जन्नतुल बकी में आया। इमाम की कब्र पर अपने सर को बार बार मारता है, अपने सर को बार बार पटकता है, यहां तक कि हलाक हो गया, यहां तक कि वो नाका मर गया। इमाम ने फरमाया, जानते हो ये नाका कौन था? ये मेरे बाबा के साथ हमेशा रहा करता था, मगर कभी मेरे बाबा ने नाके को एक ताजियाना नहीं मारा। अज़ादारों, जो नाके को ताजियाना ना मारे उसी इमाम को करबला से कूफा, कूफा से शाम तक ताजियानों पर ताजियाने लगाए गए, सकीना के तमाचे लगाए गए, शिमर के तमाचे लगाए गए। जनाजा कांधों पर बुलंद हुआ, बड़े एहतमाम से जनाजा उठाना। अज़ादारों, अभी इमाम का सैयद सज्जाद का ताबूत आ रहा है, हम खड़े होकर इमाम जमाना को तसलियत और ताजियत पेश कर रहे हैं। मौला हम करबला में न थे, हम जन्नतुल बकी में न थे, मौला हमारे पुरसे को कबूल फरमाए, वो ताबूत आ रहा है। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या बना रसूल।
नतीजे के देख कर बेकसी भतीजे के किस करे फरियाद हाय किस करे फरियाद हाय किस करे फरियाद सब रास्ते काटे से भरे है चलना है दुश्वार कैदी है बीमार गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर सर है झुकाए शर्म के मारे इब्ने शहे दिलगीर हाय इब्ने शहे दिलगीर हाय इब्ने शहे दिलगीर साथ हरम है बेपरदा और शाम का है बाजार कैदी है बीमार सब्र की आयो तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरे जो ऐसे जलने लगे है लोहे के जंजीर हाय लोहे की जंजीरे हाय लोहे की जंजीरे सारे बदन में पड़ गए छाले हाय मेरा बीमार कैदी सितम में मौत जो आए बिंत शहे मुजतर को खून भरे कुर्ते में ये कह कर दफन किया ख्वाहर को हाय दफन किया ख्वाहर को हाय दफन किया ख्वाहर को तुमको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार और शाम का है बाजार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार सब्र की आए जो तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरे ऐसे जलने लगे है लोहे की जंजीरे हाय लोहे की जंजीरे हाय लोहे की जंजीरे सारे बदन में पड़ गए छाले हाय मेरा बीमार कैदी है बीमार I'm
हम के बेड़े वक्त सफर रो 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 के का मौलाने कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने हाय ये तो खुदा ही जाने हाय ये तो खुदा ही जाने ऐसी है कुछ जाफल का हत चलना है दुश्वार कैसी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास देख सको तो देख लो उठ कर मेरे चचा अब्बास आए मेरे चचा अब्बास आए मेरे चचा अब्बास आपका बेटा बन के चला है कुंडे का सालार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार शर्म मुझे खाए जाती है काश अभी मर जाऊं उस मंजर को देख सकूं वो ताब कहां से लाऊं हाय ताब कहां से लाऊं हाय ताब कहां से लाऊं बेपरदा है ना बहले और शाम का है दरबार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार हर लम्हा कोड़ों की असीयत दिलों की उफ्ताज हाय मेरे बीमार के गुरबत किससे करे फरियाद हाय किससे करे फरियाद हाय किससे करे फरियाद सब रास्ते कांटों से भरे है चलना है दुश्वार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार तोक गड़ा है गर्दन में और पैरों में जंजीर सर झुकाए शर्म के मारे इब्ने शहे दिलगीर हाय इब्ने शहे दिलगीर हाय इब्ने शहे दिलगीर साधरन है बेपरदा और शाम का है बाजार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार सब्र की आए यो तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें धूप ऐसी जलने लगी है लोहे की जंजीरें हाय लोहे की जंजीरें हाय लोहे की जंजीरें सारे बदन में पड़ गए छाले हाय मेरा बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैद सितम में मौत जो आई बिंत शहे मुजतर को खून भरे कुर्ते में ये कहकर दफन किया ख्वाहर को हाय दफन किया ख्वाहर को हाय दफन किया ख्वाहर को तुमको कफन दी जा नहीं सकता भाई है लाचार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार शाम के बेड़ी वक्त सफर रो रो के कहा मौला ने कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने हाय ये तो खुदा ही जाने हाय ये तो खुदा ही जाने ऐसी है कुछ लहूल का हत चलना है दुश्वार कैदी है
मौला ने कहा हो लाश जरी के पास, देख सको तो देख लौट कर मेरे चचा अब्बास आए, मेरे चचा अब्बास आए, मेरे चचा अब्बास आपके बेटा बन के चला है तुम बेटा सालार, कह दी है बीमार, कह दी है बीमार, कह दी है बीमार, कह दी है बीमार, शर्म मुझे खाए जाती है काशी अभी मर जाऊं, उस मंजर को देख सकूं ताब कहां से लाऊं, हाय ताब कहां से लाऊं, हाय ताब कहां से लाऊं, बेपरदा है मां बहने और शाम का है दरबार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, टोक गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर, सर है झुकाए शर्म के मारे इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर, साथ रन है दे पर्दा और शाम का है बाजार, कैदी है बीमार, कैदी है कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, सब्र किया अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरे, धूप ऐसे जलने लगी है लोहे की जंजीरे, हाय लोहे की जंजीरे, हाय लोहे की जंजीरे, सारे बदन में पड़ गए छाले, हाय मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैद सितम में मौत जो आई बिंत शहे मुजतर को, खून भरे कुर्ते में ये कहकर दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को, तुमको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास, देख सको तो देख लौट कर मेरे चचा अब्बास आए, मेरे चचा अब्बास आए, मेरे चचा अब्बास, आपका बेटा बल के चला है कुनबे का सालार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है मार, शाम की जानिब कैसे चली थी पैगंबर की याद, कैसे पढ़ेगा मेरे उसको कैसे लिखूं मैं बिलाल, हाय कैसे लिखूं मैं बिलाल, हाय कैसे लिखूं मैं बिलाल, आगे आगे नज़े पर था फर्क शहे अबरार, कैदी है बीमार, जिंदा समदीने आकर भी सज्जाद लहू रोते ही रहे, माँ सहर की सूरज के तले बैठी रही कितने दिन गुजरे, मुख्तार ने एक दिन दी खबर ये कह दो मादर असगर से,
कर अब धूप से शहजादी उठिए सज्जाद ने आकर माँ से कहा अरे अम्मा अब बैठो न यहाँ अब ठंडा पानी पी लो माँ अब साए में आओ अम्मा सज्जा सज्जाद जरा इंसाफ कर है हुक्म न दे इसरार न कर ये सोच के है पटवे जिगर मेरा उजड़ गया है बस दागर मित्रो वांगी हुड़ तुप विच में मित्रो वांगी हुड़ तुप विच में विच तुप ते ही मर जावांगी ही सज्जा असगर तो नहीं मिलने वाला वो जख्म गला जलता झूला नासूर है मेरे सीने का तू दिल को पकड़ना छोड़ दे तू दिल को पकड़ना छोड़ दे मैं साए में आ जाऊंगी सज्जा मैं तक आई बेगौर कफन तुप विच बाबा मजलूम तेरा नहीं तुप जो उठ सकती बचड़ा तुप बढ़ गई है मकसूम मेरा हिर जद तक साविच सा मेरे हिर जद तक साविच सा मेरे विच तुप ते सोग मनावांगे ही सज्जा मेरे वाली तुम शहीद रहना मजबूत अभी तक वादा है साए की तरफ जो लेके चला सज्जाद वो मेरा लाशा है जैनब मेरा शाना छोड़ दे जैनब मेरा शाना छोड़ दे मैं साए में आ जाऊंगी ही सज्जा कर दफन रबाब कुसेड़ा के ओदा पल्लू में तू खोल वखा सज्जाद ने खोल के जद तकिया गया जैनब दे संग वो गशखा पल्लू चोला असगर दा पल्लू विच चोला असगर दा नल राख झूले दिया लावा दी ही सज्जा है वो कुछ जिद है होते हुए है वो कुछ जिद है होते हुए तू देख नहीं सकता बेटा कसाब जबी है करते हुए तुझे देख के डालते हैं पर्दा गशखा कर गिरना छोड़ दे गशखा कर गिरना छोड़ दे मैं साए में आ जाऊंगी सज्जा बीमार इमाम मेरा बीमार
वक्त सजाद ने कैसे वो गुजारा होगा, 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 नाम ज़ैनब का जो गैरों ने पुकारा होगा, वक्त सजाद या रब कोई मिल जाना पहचानने वाला, बाजार में सजाद दुआ मा शर्मिंदा वो दरिया का तलरा होगा, वक्त सजा सहारा होगा, सर मैदान तू जाने तो लगा है लगा है किस तरह तेरे बिना माता गुजारा होगा, वक्त सच सकीना तो किसी शख्स ने मारा होगा, हाय शाम का बाजार, हाय शाम
शाम का बाजार, हाय शाम का जादे से रोने का सबब पूछ रहा है, हाय शाम बाजार, जो शाम में गुजरी है वो सब पूछ रहा है, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, वो लाख तमाशाई बेपर्दा फूफी बहने कैसे न लहू रोए बीमार की फिर आके इस गम की अजियत ने उसे मार दिया है, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, किस तरह करा आए बीमार को ऐ लोगो, सर ने जो से प्यारों के आते हैं नजर जिसको, ये जुर्म मुसाफिर की ये कैसी सजा है, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, आंखों से है खून जारी गम ख्वारी है बीमारी, जंजीर है पैरों में और तोक भी है बारी, चलती है जमी सारी और गर्म हवा है, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, जागीर नहीं मांगी जंजीर नहीं बदली, छाए में नहीं बैठा पोशाक नहीं बदली, माँ बहनों की खातिर वो रिदा मांग रहा है, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, जिंदा के मसाइब भी हर वक्त रुलाते हैं, अशिकों को मगर अपने जैनब से छुपाते हैं, मर जाए न जैनब ये कहीं सोच रहा है, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, ये जख्म भी सजाद को जीने नहीं देता, जख्मों से सकीना के जो चिपका रहा कुर्ता, वो खोबर कुर्ता ही कफन उसी का बना है, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का बाजार, हाय शाम, सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा, मजमा है कूफियों का मेरे चलने की जहाँ कोई नहीं, बाजार जफा सजाद में ज़ैनब तेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा सजाद मेरे सर से नौ बार छीनी चादर, बलवे में नबी जादी फिर वाई गई दर दर, ले जाए ही दा मुझको ओ
कोई नहीं बाजार जफा सा सजादी चलू कैसे लाखों है तमाशाई याद आता है रह रह के अब्बास मेरा भाई भाई याद करूँ तो जिसे अब तेरे सिवा कोई नहीं बाजार जफा सा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजारे जफा सजाद मेरे दिल को ये दर्द सताता है सर गाजी का नज़र से जब खाक पे आता है सर मेरा खुला देखे से बड़ा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा मालूम है आदा को गाजी की बहन हूँ मैं बेदस है वो गाजी पाबंद रसन हूँ मैं याद आए वफा उसकी सब पास रहा कोई नहीं बाजार जफा सजाद सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा मजबूर हूँ बेबस हूँ मैं रो भी नहीं सकती दिलों की अजियत से मैं सो भी नहीं सकती इस दर्द मुसीबत में हम दर्द मेरा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद तेरी हालत देखी नहीं जाती है बेपर्दा मुझे देखे ये बात रुलाती है सजाद तेरी तरह कांटों पे चला कोई नहीं बाजार जफा सजाद सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा मौत आएगी जिंदा में मेरे बालिश की ना को क्या जाके बताऊंगी जो मारे मदीना को गम दिल पे उठाने को सब बाकी रहा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा बाजार सितम में था
زینب کا جب عالم مظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا جس دم ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں بازار جفا ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو چار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے 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 شام ہائے 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 شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شہ کے پلے سینے پہ جو کے پلی جس کی ربا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچو کے نشاں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے شام ہائے 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 شام وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہائے ہائے زینب ایک وقت الحمدللہ تو نے کل اللہ نے پانچ سال پر چوتھا امام علیہ السلام تمام شہدائے کربلا اسیرہ نے کربلا نے کی دن بادیاں نے واپس کری دے